मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड नौ कुचियाताल। क्या लोकेशन है? फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और मेरे नए ब्लॉग में आने का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड नौ कुचियाताल। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो मेरे साथ जा रहा है अतुल, ये पीछे बैठा हुआ फ़ोन चला रहा है। बेचारे को कॉफ़ी नहीं मिली, तो गाड़ी में सारा सामान लोड कर दिया है। तो अभी 10 मिनट में निकलेंगे यहाँ से। वहाँ पे वेडिंग शूट है, तो हमारा 3 दिन का स्टे है वहीं पे। और वहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा होगा और ठंड है वहाँ पे काफ़ी। तो हमने गर्म कपड़े ले लिए, टोपी वगैरह ये मैंने गले का ये ले लिया, जैकेट वॉर्म वाली, जूते। अच्छी मिलते हैं बात आगे। हमारा ब्लॉग आपको पसंद आए तो ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ से अभी हमने रूट चेक किया, तो यहाँ से 6.5 घंटा दिखा रहा है। तो अभी हम बैठने वाले हैं गाड़ी में। हम निकल चुके हैं और यहाँ पे रुके हैं डीजल बनवाने के लिए। तो यहाँ फुल करा लेंगे क्योंकि फिर आगे रुकेंगे नहीं, कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी पीने रुकेंगे बस। यहाँ से दिखा रहा है 6 घंटे, तो अभी बहुत लंबा ट्रिप है, सोते हुए जाएंगे मस्त। 36 लीटर डीजल मिलेगी इसमें, 3650 का डलवा रहे हैं। चलो भाई चल गया डीजल। पहुंच चुका हूँ नौकुचियाताल, और नौकुचियाताल में यह है रिजॉर्ट, अपना परिचय रिजॉर्ट। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। यह है इसका रिसेप्शन और हमारा स्टे यहाँ पे है। यह है रूम्स इधर, और यहाँ से का इस व्यू देखो बहुत ही सुंदर है। ये देखो क्या लोकेशन है। बहुत ही मस्त व्यू है, यहाँ लेक भी है, देखो कितना मस्त है। तो अभी हम यहाँ का पूरा टूर देंगे आपको, क्या क्या लोकेशन है। वो नीचे है सबसे, वो लोग नीचे, देखो यहाँ से पहाड़ भी कितना सही दिख रहा है, पहाड़ बगल में लेक, मस्त है व्यू। हम घर से निकले थे 5:30 बजे और अब बज रहे 12। तो हमें यहाँ नौकुचियाताल आने में कम से कम 7 घंटे लग गए हैं। और रास्ते में हमने दो जगह रुके भी, एक जगह मैकडी में रुके, और फिर उसके बाद हम रुके वहाँ पे सागर रत्ना में। तो भूख लग रही थी, वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया वहाँ। तो अभी यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी रूम में चेक इन करेंगे, सामान वामान डालेंगे, फिर उसके बाद 1:30 बजे से शूट स्टार्ट है। तो आज प्री वेडिंग है यहाँ पे, तो प्री वेडिंग करेंगे। उसके बाद शाम को है फिर इवेंट, तो थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे और मैं आपको यहाँ का सिनेमैटिक दिखाऊंगा, वो एंजॉय करना आप। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो ब्लॉग में बने रहिए। मिलते हैं आगे। मिल चुका है, अभी करते हैं एंटर रूम के अंदर और दिखाता हूँ रूम कैसा है। खुल गया,
कुछ ऐसा है रूम, ये हमारे कपड़ों के बैग। क्या चेंज कर रहा है? टी शर्ट पहनूंगा भाई मैं तो, ये यहाँ का वॉशरूम। बस ये ग्रीन है ना। कुछ ऐसा रूम। तो अभी रेडी होंगे, फ्रेश होके जाएंगे लंच करने के लिए, और मैं रूम से आपको बाहर का भी दिखाता हूँ कितना तगड़ा है। सोफा, और सोफे के पीछे है विंडो, और ये देखे यहाँ से व्यू है उसके अंदर भाई। ये देखो यहाँ से व्यू दिख रहा है, अभी मैं बाहर से बालकनी से भी दिखाऊंगा। ये है गाइस हमारी बालकनी, यहाँ टॉवल सूख रहे हैं, और यहाँ पे है सब व्यू। देखो पीछे पहाड़, नीचे लेक। तो मैं अभी होता हूँ फटाफट रेडी, और फिर लंच करने जाते हैं। गाइस पीछे का सीन, पहाड़, ये हमारा रूम पीछे वाला। वो देखो वहाँ पर पहाड़ों पे घर है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, मैंने लंच कर लिया है, और लंच बहुत अच्छा था। राजमा चावल थे, और घर की रोटी थी मिक्स वेज, और पालक पनीर था। अच्छा था खाना यहाँ का। और अभी 3 बज रहे हैं, तो 3:30 बजे से शूट है, तो अभी आधा घंटा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे शूट लोकेशन पे। मैं दिखाऊंगा आपको किस लोकेशन पे हम शूट कर रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। गाइज मैं जा रहा हूँ शूट लोकेशन पे, मैं दिखा देता हूँ शूट लोकेशन कहाँ पे हम शूट करेंगे। यहाँ बहुत अच्छे मतलब जंगल टाइप है, पेड़ बहुत लंबे लंबे हैं, यहाँ पे करेंगे शूट। देख रहे हो गाइस कितना सही लोकेशन है, ये पूरा ऐसे है यहाँ पे। गाइस शाम का इवेंट यहाँ पे होने वाला है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे होने वाला है शाम का इवेंट। ये सामने जूम करके दिखाता हूँ, इधर होने वाला है। देखो तैयारी चल रही है। गाइज हमारा आज का प्री वेडिंग सेशन डन, और गाड़ी में रख रहे सामान, फिर जाएंगे चेंज वेंज करेंगे, फिर शाम के इवेंट के लिए आएंगे। तेरा गिम्बल कैमरा रख दिया तुमने अंदर गाड़ी में, अभी जाएंगे चेंज वेंज करेंगे। ये रहा सोनी A7IV और निकॉन Z7। बस यहाँ पे पैकअप होने वाला, बस अंदर मेहंदी लग रही है, उसके बाद हम भी खाना खाएंगे निकलेंगे। मैं दिखाता हूँ अंदर मेहंदी लग रही है। ये ब्राइड, मैंने खाना डाल लिया है, चावल और दाल मखनी, और यहाँ पे बटर नान और मिक्स वेज, और कढ़ाई चिकन लिया है मैंने जो बटर नान के नीचे। मेरा खाना पीना हो चुका है, तो अभी फाइनल शॉट भी कर लिया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।